इस वक्त हम जूरी के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि आज यहां पे डिपकॉम यहां पहुंचे हैं, उनके साथ एडीसी की जम्मू यहां पहुंचे, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर जूरी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे पहुंचे हैं और जूरी के जितने भी पोलिंग स्टेशन है वो वहां पे जा रहे हैं और सिक्योरिटी के फोर्सेज की तरफ से वहां पे हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज लगाई गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो कि किस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिपकॉम और उनके साथ एडीजी की जम्मू और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर राजौरी इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी राजौरी के अंदर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, वो चेकिंग की जा रही है। उनके आप देख सकते हैं कि उनका काफिला देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला जो कि यहाँ से जो निकल रहे अलग अलग पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं और जगह पे पुलिस स्टेशन में चेक किया जा रहा है। आपको बता दें राजौरी पुंछ और अनंतनाग की जो पार्लियामेंट्री सीट है और वहाँ पे जो आज इलेक्शन हो रहे हैं और लोग अपना सोच समझ के वोट डाल रहे हैं। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार सत्र के लिए। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त अरेंजमेंट है सर आपका, जबरदस्त। बारह से 14% पोलिंग दर्ज की गई है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर। चार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें अभी तक 12 से 14% पोलिंग दर्ज की गई है। तो सुबह से ही लोग लाइनें लगा के अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं, वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें सुबह से लाइन लगी थी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, अदरवाइज अच्छे तरीके से पीसफुल तरीके से पोलिंग चल रही है। पूरे जिला बार बार किसी तरह की कोई शिकायत अभी तक कोई शिकायत नहीं। सिक्योरिटी के किस किस्म की शिकायतें आती हैं उसको हम लोग उसी टाइम पे कंट्रोल रूम के थ्रू कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, हर एक जगह पे हमारी सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात हैं। अभी तक का कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट बॉर्डर एरिया में किस तरह की सिक्योरिटी का अलर्ट? बॉर्डर एरिया पे आप सभी जानते हैं कि हमारे 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें शेलिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम स्पेशल एरिया प्लान हमने बनाया था। उसके लिए स्पेशल सीएपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई हैं और वहां पर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि इन केस अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है तो उनको अल्टरनेट पुलिस लोकेशन पे शिफ्ट किया जाता है। सर क्या उम्मीद की जा सकती है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें योगदान करें? उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमारी स्वीप की एक्टिविटीज इस साल हमने की थी, तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त पिछले साल जो 68.40 पोलिंग परसेंटेज हुआ था इस बार 75 से ऊपर जाने की उम्मीद है। थैंक यू।